दोस्तों आज हम एक बेसिक डायोड जो है हमारा उसके बारे में बात करेंगे। ये उसकी डाटा शीट है। आपने ये IN4001 से लेके IN4007 तक बहुत जगह देखे होंगे डायोड, कहीं भी ब्रिज रेक्टिफायर, कहीं छोटी पावर सप्लाई में, या फिर कहीं भी जनरली रिले के साइड में लगा हुआ होता है, यही वाला लगा हुआ होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर बनना होता है, या सिंपल रेक्टिफायर है, सिंगल हाफ वेव रेक्टिफायर है, वो सब इससे ही बनेगा। कहीं भी थोड़ा ड्रॉप का काम करना है तो वो ये करेगा। मतलब अगर डायोड अगर बोलते हैं ना तो सबसे आगे इसका नाम आते में आता है, क्योंकि ये जनरल पर्पस डायोड है IN4001 से लेकर 4007 तक। आज हम थोड़े इसकी डाटा शीट के बारे में जानेंगे। तो ये लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, हाई सर्ज करंट कैपेबिलिटी। सर्ज करंट क्या होता है? सर्ज करंट होता है, नाम ही बता रहा, सर्ज मतलब झटके से एकदम जो करंट आता है, एकदम झटके से करंट आता है ना, वो सर्ज करंट है। उसकी कोई इसको झेलने की इसकी कैपेसिटी है। जैसे ये देखो, फॉरवर्ड हम देखेंगे IVF, मतलब IF मतलब फॉरवर्ड वायर एवरेज। एवरेज करंट कितना है इसका? 1 एम्पियर का है। लेकिन नॉन रिपीटेटिव मतलब कि 8.3 मिली सेकेंड के लिए ये 30 एम्पियर तक भी ले जाएगा। 30 एम्पियर तक का करंट भी ये ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसे। सबके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 1 एम्पियर ही होता है, लेकिन जो पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज, मतलब यह है कि इसमें रिवर्स में हम कितनी वोल्टेज दे सकते हैं, वो इन सब की अलग अलग होती है। जैसे 4001 है, वो 50 वोल्ट तक जाता है, कि अगर रिवर्स वोल्टेज देने की कैपेसिटी है उसकी। 4002 की 100, 200, 400, 600, 800 और 1000। हम नॉर्मली जो अपने एसी के पावर सप्लाई दे रहती हैं उसमें आपको ये 4007 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 4006 भी मिल सकता है। इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इसमें 1.1 लिखा हुआ है, इतना नहीं होता, इससे कम ही होता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है 0.7 0.8 के आसपास आपको मिल जाता है ड्रॉप। ये रिवर्स करंट भी बहुत कम है इसका। मैंने पहले ही बताया है आपको कि हमको जो डायोड में देखना होता है, सबसे पहले जो ये देखनी होती है कि उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है। एक पॉइंट वो हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं कि उसका ये VRRM जो है, PP मतलब PIV बोलते हैं, पीक इन्वर्स वोल्टेज, जो उसका PIV है वो कितना है, हमको वो देखना होता है, क्योंकि वो हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा फिर जो उसका फॉरवर्ड जो करंट है वो कितना करंट ले सकता है हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, वो भी चलता है। ये जनरल पर्पस डायोड है। डायोड मैंने पहले बता रखे हैं आपको कि कई टाइप के डायोड होते हैं। ये जनरल पर्पस है, आपको फिर फास्ट डायोड मिल जाएंगे, सिग्नल डायोड मिल जाएंगे, अल्ट्रा फास्ट मिल जाएंगे, शॉर्ट की डायोड है, बहुत तरह के डायोड हैं। हम एक एक करके हर डायोड की डाटा शीट अब चेक करेंगे, देखेंगे। आज हम ये दो बेसिकली जनरल पर्पस डायोड जो हैं इनके हम डाटा शीट हम चेक करेंगे। एक ये है 4007, ये 1 एम्पियर का है। और अगर आपको इसी में ही मतलब यही सब कुछ चाहिए, ज़्यादा फास्ट नहीं चाहिए, सिंपल वाला जनरल वाला चाहिए, तो वो 5400 से लेके 5408 तक है, ये 3 एम्पियर का होता है। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना ही है, वो 1 एम्पियर का है, ये 3 एम्पियर का है। चीज़ें वही हैं सब कुछ, 50 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक ये जाते हैं। और इसमें देखोगे आप 5407 54000 मतलब 5408 के सीरीज में देखोगे आप, तो फॉरवर्ड वोल्टेज 3 एम्पियर का है, लेकिन जो 8.3 मिली सेकेंड के लिए जो वहाँ 30 एम्पियर था वो यहाँ 200 एम्पियर है। जो वहाँ 30 एम्पियर था वो यहाँ 200 एम्पियर है। और फॉरवर्ड वोल्टेज और ड्रॉप है वो इसमें भी उसकी तरह ही 1 वोल्ट के आसपास है, VF 1 वोल्ट के आसपास है। अभी जो फास्ट डायोड का हम आगे करेंगे, आगे आगे की वीडियोस में हम फास्ट डायोड को देखेंगे, उसमें एक आ जाएगी उनका टाइम आ जाएगा, रिवर्स रिकवरी टाइम। वो क्या होता है कि हम एक बार मेरा डायोड मेरा गया, डिप्लेशन लेयर ख़त्म होगी, आगे चल गया, फिर जब उसको दोबारा से सारा मतलब जाने के बाद दोबारा से वो कब वो अपने डायोड वाली कंडीशन में आएगा, वो रिवर्स रिकवरी टाइम है। मतलब ग्राफ अगर देखेंगे इसका, तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ, डाटा शीट में यही रहता है। और ये आपको फॉरवर्ड करंट ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, VRR, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट सब है, नॉन रिपीटेटिव सर्ज,
ज़्यादा कुछ क्योंकि इसकी डेट शीट में होता नहीं है, जनरल पर्पस डायोड है ये। इसका फॉरवर्ड वोल्टेज करेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड ये, तो इसमें ज़्यादा इसमें कर्व्स भी नहीं हैं। अभी हम आगे देखेंगे ना, और फास्ट डायोड की देखेंगे हम, फास्ट डायोड, अल्ट्रा फास्ट डायोड उनको देखेंगे, तब पता चलेगा कि ये क्या चीज़ होती है, ये रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, इसका बड़ा काम होता है। जहाँ हमें स्विचिंग के लिए या फिर कहीं अच्छे उसमें चाहिए होता है, हमें ये सब चाहिए चीज़ चाहिए होती है, ऐसे ही इसमें है। इसमें आपको सेम ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा इसमें भी, क्योंकि दोनों सेम है, सिर्फ एक करंट की रेटिंग है। कहीं आपको जनरल पर्पस डायोड चाहिए, आप उसको इन दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हो। जहाँ करंट 3 एम्पियर तक चाहिए वहाँ आप इसको यूज़ कर लेना, जहाँ करंट 1 एम्पियर तक चाहिए वहाँ आप सिंपल वाला 4007 है उसको यूज़ कर लेना। इसमें कोई डाउट रहा हो इसमें तो मुझे बताना। धन्यवाद।